लेप्टोकोरिसा एक्यूटा, लेप्टोकोरिसा एक्यूटा का जो जनरल नेम है इसको राइस ईयर हेड बग या गंधी बग भी बोला जाता है। तो जब भी बग आ जाते हैं तो बग्स हमेशा ट्रू बग्स जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं टू द ऑर्डर हेमीपटेरा। हेमीपटेरा के ऊपर अगर हम आते हैं तो हेमी का मतलब हाफ और पटेरा का मतलब विंग्स। तो इनके जो फोर विंग्स होते हैं वो बेस के ऊपर थोड़े से हार्डन्ड होते हैं, या फिर इनको हम हैमी इलेक्ट्रा भी बोलते हैं। इनके अंदर मेनली जो करेक्टर्स होते हैं इस हेमीपटेरा ऑर्डर के वो होते हैं, एक तो इनके अंदर बीक्स प्रेजेंट होती हैं। बीक जो होती है वो कैसे बनती है कि इसके अंदर मैंडिबल्स और जो मैक्सिला होते हैं वो एक स्टाइलेट बनाते हैं, और वो स्टाइलेट को यूज़ किया जाता है पायरिस करने के लिए। पायरिसिंग टिश्यू की तरह वो काम करता है और सक करने के लिए वो काम हेल्पफुल होता है। और जो वो स्टाइलेट बनता है अब वो लेबियम जो होता है वो मॉडिफाई होता है, लेबियम लेब्रम जो लिप्स होते हैं उनको बोलते हैं लेबियम एंड द लेब्रम। तो उसके अंदर जो लेबियम होता है वो मॉडिफाई करके उस स्टाइलेट के ऊपर एक शीथ बनाता है। तो इस तरीके से बीक बनती है। बीक से एक और करेक्टर क्या आएगा कि इनके अंदर जो माउथ होता है वो पायरिसिंग एंड सकिंग टाइप का होता है। सक करता है तो इसका मतलब क्या होगा, सक किसको करेगा, सेल सैप को। और सेल सैप कहाँ प्रेजेंट होता है, मेनली या तो स्टेम के अंदर या फिर ग्रीन्स के अंदर। सेल सैप के ऊपर वो सक करेगा और उसके ऊपर यानी कि फीड करता है वो इस तरीके से। और हेमीपटेरा के अंदर जो मेटामोफोसिस होती है वो होती है इनकम्प्लीट मेटामोफोसिस, यानी कि ये हैमी मेटाबोलस होते हैं। जब भी हैमी मेटाबोलस अगर होते हैं तो चार स्टेजेस होती हैं। एग्स आते हैं, एग्स से हैच करके निम्फ निकलता है, निम्फ जो होता है वो फिर मोल्टिंग अंडरगो करता है और अडल्ट बन जाता है। जब भी अगर कभी भी कंप्लीट मेटामोफोसिस अगर होगी तो वहाँ पर क्या होगा, एग आएगा, एग से फिर लार्वा बनेगा। लार्वा को जैसे हम बीटल्स के केस में ग्रब भी बोलते हैं। फिर वो क्या करेगा, प्यूपेशन अंडरगो करता है तब अडल्ट बनता है, जैसे लेपिडोपटेरा ऑर्डर के अंदर होता है। उसके बाद अगर हम लेप्टोकोरिसा एक्यूटा की फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो इट बिलोंग्स टू द फैमिली कोरिडिया। कोरिडिया की करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं कि एक तो इसके अंदर जो बीक होती है वो फोर सेगमेंटेड होती है, और इसके अंदर जो एंटीना होता है वो भी फोर सेगमेंटेड होती है, और जो इनके लेग्स होते हैं उनकी लीफ जैसी एक्सपेंशन होती है। कुछ स्पीशीज के अंदर ऐसा होता है। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कोरिडिया फैमिली के। और हेमीपटेरा के अंदर एक और चीज़ क्या थी, हैमी हमने वर्ड यूज़ किया कि जो फोर विंग्स होते हैं वो बेस के ऊपर हार्डन्ड होते हैं, या फिर हम इसको हैमी इलेक्ट्रा भी बोल सकते हैं, क्योंकि बीटल्स के केस में जो फोर विंग्स होते हैं वो कम्प्लीटली हार्डन्ड हो जाते हैं, और वो उनको हम इलेक्ट्रा या विंग केसेस बोलते हैं, और वो एक्सोस्केलेटन का एक पार्ट बनाते हैं। तो हैमी इलेक्ट्रा क्योंकि, और जो इनके अंदर हिंड विंग्स होंगे वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली मेम्ब्रेनस होते हैं। अब आते हैं राइस गंधी बग के ऊपर। तो राइस गंधी बग को पहली चीज़ आती है कि गंधी बग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो थोरेसिक ग्लैंड होती है वो एक अनप्लेजेंट स्मेल जो होती है वो एमिट करती है, इसके कारण इसको गंधी बग बोला जाता है। बग यानी हेमीपटेरा ऑर्डर। डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, क्योंकि राइस जहाँ जहाँ ग्रो किया जाता है वहाँ वहाँ ये मिलेगा, मेनली स्टेट्स हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार एक्सेट्रा। फूड प्लांट ये राइस के ऊपर फीड करता है, और इसके अंदर ऑल्टरनेट होस्ट जो होते हैं वो मीज वगैरह, जवार, बाजरा, मिलट्स, ग्रासेस, ये सब एक्ट कर सकते हैं एज इंटरमीडिएट होस्ट, या फिर अगर राइस नहीं है तो इनके ऊपर भी ये ब्रीडिंग वगैरह अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है। जनरल अपीयरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक अगर हम इसका स्पेसिमेन देखें, यूजुअली लैब के अंदर हमें ये स्पेसिमेन दिखता है। इस स्पेसिमेन से हम इसकी जो लेंथ है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो होता है 20 mm यानी कि 2 cm इसकी लेंथ होती है। उसके बाद अडल्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो ब्राउन कलर का होता है। निम्फ अगर देखें तो वो स्लाइटली ग्रीन कलर का होता है। निम्फ और अडल्ट में एक डिफरेंस क्या होता है कि निम्फ के पास, वो अडल्ट जैसा ही होता है लेकिन निम्फ के पास विंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और लेंथ भी थोड़ी सी कम होती है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं हैबिट्स की तो ये मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स के दौरान जो होते हैं एक्टिव रहते हैं, और इंसेक्ट जितने भी राइस के ऊपर पेस्ट होते हैं मेनली उनकी लाइफ साइकिल जुलाई टू नवंबर होती है। अगर उनकी लाइफ साइकिल एक्सटेंडेड होती है दिसंबर फरवरी के अंदर तो या तो वो एग्स की फॉर्म में होते हैं जैसे राइस ग्रास होपर्स के अंदर आता है, या फिर वो हाइबरनेशन करते हैं। इसके अंदर ये दिसंबर टू फरवरी
हाइबरनेशन करता है। इसके बाद अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो 4 से 5 वीक्स यानी कि 35 डेज के अंदर इनके लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है एंड ये 5 बार स्पोनिंग करते हैं एक सीजन के अंदर। जुलाई टू नवंबर ये रिप्रोड्यूस करते हैं और हाइबरनेट करते हैं दिसंबर टू फरवरी। उसके बाद अगर हम एग्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये लीफ शो कर रखे हैं क्योंकि यहाँ पर ये पैरल वेनेशन दिखा रखी है जैसे कि मोनोकोट लीफ के अंदर होती है। तो राइस की लीफ के अंदर ये 3 रोज के अंदर एग्स को ले डाउन करते हैं। एग्स का कलर कैसा है, एग्स अप्रोक्स 10 mm या फिर जो होते हैं 1 mm इन लेंथ होती हैं यानी कि 1 cm का 1/10 part। तो जो एग्स होते हैं वो लाइट ब्राउन कलर की हैं, थोड़े से यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके कनकेव मार्जिन्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। तो 3 रोज के अंदर 24 से 30 एग्स को ले डाउन किया जाता है लीफ के ऊपर। और इसके बाद आता है कि इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 8 डेज का होता है यानी अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का इनके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद जब एग हैचिंग करते हैं तो वहाँ फिर क्या आ जाएंगे, निम्फ निकलते हैं एग्स में से हैचिंग के बाद जो कि ग्रीन कलर के होते हैं और इनके अंदर जो होते हैं विंग्स प्रेजेंट नहीं होती, जो लेग्स है वो लॉन्ग एंड स्लेंडर होती हैं। अब निम्फ जो होता है वो 15 से 18 दिनों के बाद अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है बाय अंडरगोइंग 5 मोल्टिंग। 5 मोल्टिंग वो करता है तब तो वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अडल्ट के पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट ब्राउन कलर का होता है एंड लाइफ स्पैन इसका 35 डेज का होता है यानी कि 33 to 35 यानी अप्रोक्सीमेटली 1 month का होता है। तो एग्स को हैच करके निम्फ बनने में लगा 1 week, नीम से अडल्ट अप्रोक्सीमेटली 1/2 month और अडल्ट का लाइफ स्पैन है 1 month। उसके बाद डैमेज जो होती है, अब हमने पहले किया था इनके अंदर पायरसिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सेल सैप होता है मेनली सीड्स के अंदर उनके ऊपर ये फीड करते हैं। तो मेन डैमेज नीम्फ एंड अडल्ट कोज करते हैं, ये मिल्की सेल सैप जो होता है यंग ग्रेन से उसके ऊपर ये फीड करते हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर ईयर्स टर्न वाइट, इसका मतलब होता है जो ईयर्स होते हैं वो स्टेम के उस पार्ट को बोला जाता है जिसके ऊपर ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो तब ये अगर इन्फेक्शन मतलब इन्फेस्टेशन अगर करते हैं उसके ऊपर फीड करते हैं तो उसके कारण ये वाइट कलर के निशान यहाँ पे आ जाते हैं। और होल प्लांट भी अगर हम देखते हैं तो वो ऊपर का जो पार्ट होता है जिसके अंदर उसकी इनफ्लोरेसेंस होती है वो वाइट कलर का हो जाता है, उसको हम वाइट ईयर्स बोलते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पर मार्क्स सीड के ऊपर मिल जाते हैं जिसके ऊपर बाद में फंजाई ग्रो करती है तो हमें ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं प्लांट्स के ऊपर। और कई बार डैमेज जो होता है 40% तक होता है और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसके कारण इतना ज़्यादा डैमेज होता है कि हम क्रॉप को हार्वेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि इसके मैंने बताया था कि होस्ट जो होते हैं राइस के अलावा भी ग्रासेस वगैरह के ऊपर ये ग्रो करता है। तो राइसेस वगैरह, तो अगर हमने इसको कंट्रोल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम उन ग्रासेस या जो इनके अल्टरनेट होस्ट हैं उन सबको रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द फील्ड। उसके अलावा BHC से का हम स्प्रे करा सकते हैं यानी कि BHC इज द बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये वीड्स वगैरह को फील्ड या सराउंडिंग एरियाज में से हम रिमूव कर सकते हैं। हम वास्प वगैरह यूज़ कर सकते हैं जो एग्स वगैरह को पैरासिटाइज करती है एग्स वगैरह को, या फिर ऐसे एनिमल्स जो कि अडल्ट या निम्फ के ऊपर फीड करते हैं तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। या ऐसे फंजाई जो इनको इफेक्ट करती है और प्लांट को इन्फेक्ट ना करे तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम वेरियस तरीके के केमिकल्स वगैरह की स्प्रेइंग भी कर सकते हैं। और ऐसे लीव्स जिनके ऊपर एग्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, उन लीव्स को रिमूव करके बर्न कर सकते हैं।